नमस्कार दोस्तों, वीडियो में छुपे हुए हैं तीन सवाल। आपको वीडियो को पूरा देखना है, उन तीनों सवालों को ढूंढना है और उनका सही जवाब देना है। जो भी तीनों सवालों का सही जवाब देगा वो जीत सकता है ₹2000 का पेटीएम कैश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy Vidhu. IPL 2021 का 250 मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद हो चुकी है बुरी तरीके से घायल, जिनके सामने इस बार हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं राजस्थान के रॉयल्स। तो क्या अपने नए कप्तान के साथ सनराइजर्स की होगी एक नई शुरुआत या फिर रॉयल्स एक बार फिर से इनको देंगे गहरा आघात? ढूंढेंगे इसी सवाल का जवाब। आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। साथ ही साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फ्रेंडशिप पिक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर, इन्हें बाउंसर पर डक करना सिखाओ। करोड़ों में एक एडवाइस दिए चैम। अब सुनो एक से एक करोड़ वाली बात। माई 11 सर्कल पे ₹1 में टीम बनाओ, रोज एक करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। खुद को चैम समझते हो तो माई 11 सर्कल पे करोड़पति बन के दिखाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सबसे पहले बात करते हैं माई 11 सर्कल प्रेजेंस पिच के हाल की। तो ये जो मुकाबला है अरुण जेटली के मैदान पर खेला जाने वाला है और यहाँ पर ये लगातार दूसरा मैच खेला जा रहा है। अब ऐसे में कल वाले मैच से थोड़ा सा अलग पिच बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। इस मैच में कल वाले मैच की तुलना में गेंदबाजों को ज्यादा जो है सफलता मिलेगी, ज्यादा बोलबाला होगा। मेरे अनुसार इस मैच में आपको 160 से 170 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। जो भी टॉस जीतेगा वो चेस करने का फैसला ले सकता है और 70% मैच उसके हाथ में होगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अहमदाबाद जितना ड्यू फैक्टर देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ड्यू जो है दूसरी पारी में आपको देखने को तो मिलेगी ही। अब बात करते हैं माई 11 सर्कल प्रेजेंस दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक इस आईपीएल में 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से इन्हें 2 में जीत और 4 में हार मिली है। राजस्थान की टीम अपना आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस के हाथों हार कर आ रही है। उस मैच में राजस्थान की बल्लेबाजी काफी अच्छी रही थी, लेकिन गेंदबाजों ने इन्हें मैच हरा दिया था। आखिरी मुकाबले में मुंबई के खिलाफ राजस्थान के लिए अच्छी बात तो यह रही कि जॉस बटलर ने इस आईपीएल में दूसरी बार 40 प्लस का स्कोर किया। बटलर का फॉर्म में आना राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कप्तान संजू सैमसन ने 42 रन बनाकर अपने फॉर्म को जारी रखा। संजू सैमसन अब तक इस आईपीएल में 229 रन बना चुके हैं और अब तैयार है सनराइजर्स के खिलाफ एक और कप्तानी पारी खेलने के लिए। जी हां, संजू सैमसन के बल्ले से इस मैच में भी 30 प्लस का रन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बटलर के बल्ले से एक और विस्फोट इस मुकाबले में हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए इस आईपीएल में ओपनिंग एक बड़ी समस्या रही है। ये लगातार पावर प्ले में अपना विकेट खोते जा रहे थे, लेकिन आखिरी मुकाबले में बटलर और जायसवाल ने पावर प्ले में यशस्वी होकर दिखाया। जी हां, बटलर ने 41, वहीं जायसवाल ने मात्र 20 गेंदों पर 32 रन बनाए थे। और इससे इन दोनों के साथ साथ टीम का भी मनोबल काफी बढ़ा होगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक और अच्छी बात तो ये रही कि शिवम दुबे लगातार चौथे नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने बेन स्टोक की कमी को दूर करने की भरपूर कोशिश की है। और इस मैच में भी शिवम दुबे विकेट पर टिक कर अपनी टीम को एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। राहुल तेवतिया और डेविड मिलर का फॉर्म राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा कंसर्न बना हुआ। डेविड मिलर ने इस आईपीएल में एक अर्ध शतक जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बात की जाए अगर इनकी गेंदबाजी की तो राजस्थान की तरफ से क्रिस मॉरिस और चेतन सगारिया काफी अच्छे फॉर्म में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सगारिया इस आईपीएल में अब तक 7 विकेट ले चुके हैं और काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। और दिल्ली की इस विकेट पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को ये खिलाड़ी परेशान कर सकता है। वहीं क्रिस मॉरिस इस आईपीएल में 11 विकेट ले चुके हैं और इस मैच में भी वो 1 या 2 विकेट जो है चटका सकते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे पहले सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल ये है कि इस मैच में जॉस बटलर आपके माई 11 सर्कल ऐप पर आपकी टीम में कितने पॉइंट्स बनाएंगे, साथ ही साथ उनके बल्ले से इस मैच में कितने छक्के देखने को मिलेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक इस आईपीएल में 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से इन्हें 1 में जीत और 5 में हार मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद का इस साल इतना बुरा हाल रहा है कि इन्होंने अपना कप्तान ही चेंज कर दिया। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड मॉर्नर बहुत ही अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं और वन मैन आर्मी बनने के चक्कर में केन विलियमसन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब कप्तानी केन विलियमसन के हाथों में दे दी गई है और जहां तक मुझे लगता है कि एक नए कप्तान के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का एक नया जोश हमें मैदान पर देखने को मिलेगा। कप्तानी के दबाव में डेविड वॉर्नर बहुत ही ज्यादा स्लो खेल रहे थे और अब डेविड वॉर्नर खुलकर खेल सकते हैं और अपना गुस्सा और भड़ास भी निकाल सकते हैं। और आपको पता ही कि जब डेविड वॉर्नर बेपरवाह होकर खेलेंगे तो फिर भैया गेंदबाजों की शामत सी आ जाएगी। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अच्छे फॉर्म में, लेकिन फिर भी ये टीम मैच नहीं जीत पा रही थी क्योंकि
रणनीतियां सही नहीं हो रही थी। जॉनी बेयरस्टो इस आईपीएल में 218 रन बना चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। साथ ही साथ कप्तान डेविड वार्नर खुद भी रन बना रहे थे। ऊपर से मनीष पांडे इस आईपीएल में 3 बड़ी पारियां खेल चुके हैं। साथ ही साथ जब जब केन को मौका मिला तब तब उन्होंने टीम के जरूरत के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। और अब ऐसे में एक सही कप्तान जब इस इनफॉर्म टीम को लीड करेगा तो परिणाम भी सही हो सकता है। आपको बता दें कि इस मैच में केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर के बल्ले से रनों की सुनामी देखने को मिल सकती है। बात की जाए अगर सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी की तो भुवनेश्वर कुमार के न होने से सनराइजर्स के गेंदबाज अपना संतुलन खो रहे हैं, जो कि हमें चेन्नई के खिलाफ हुए मुकाबले में भी देखने को मिला था। जी हाँ, इनके गेंदबाजों को एक विकेट तक नहीं मिला था। केवल राशिद खान ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और 3 विकेट ले पाए थे। और अब तक इस आईपीएल में वो 9 विकेट ले चुके हैं और इस मैच में भी राशिद खान पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। वैसे आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में क्वालिटीज ऑफ बॉलर्स हैं और अब जब उनका इस्तेमाल एक बेहतरीन कप्तान करेगा तो ऐसे में गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी फैंटेसी टीम में निश्चिंत होकर 2 गेंदबाजों को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से कम शामिल जरूर करें। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे सवाल की। तो आज का हमारा दूसरा सवाल यह है कि आपके माय 11 सर्कल टीम का आपका कप्तान कितना पॉइंट इस मुकाबले में बनाएगा। जी हां, थोड़ा सा मेहनत करो, ऐप को डाउनलोड करो और जल्द ही जैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा आने लगेगा मैं ये 2000 वाला जो इनाम है वो 5000 तक कर दूंगा। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल पर हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 13 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 6 बार राजस्थान रॉयल्स ने हल्ला बोला है, वहीं 7 बार सनराइजर्स का सनराइज हुआ है। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और मामला 50-50 का रहा था, यानी कि एक-एक मैच दोनों टीमें जीती थी। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सिलेक्ट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया। माय 11 सर्कल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जहां पर आप सिर्फ 1 रुपए में 1 करोड़ जीतने का मौका पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे तो आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है। ये जो टीम मैं बता रहा हूँ ये फाइनल टीम नहीं है, ये एक डेमो टीम है। फाइनल टीम टेलीग्राम पर आएगी तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे तीसरे सवाल की। और आज का हमारा तीसरा सवाल ये है कि माय 11 सर्कल ऐप पर इस मैच में कौन सा विकेटकीपर सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाकर आपको देगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। माय 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए, तभी आप जो ये कॉन्टेस्ट जीत पाओगे। और आगे 2000 का जो अमाउंट है मैं वो 5000 करने वाला हूं और 1-1000 5 विनर्स को दूंगा। तो इस कॉन्टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करो ताकि कॉन्टेस्ट का जो अमाउंट है वो और भी ज्यादा बढ़ पाए। सबसे पहले हमें विकेटकीपर्स लेने हैं तो संजू सैमसन को जरूर लेना। कप्तानी पारियां खेल रहे हैं, सूझबूझ भरी पारियां खेल रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करेंगे, आपको पॉइंट्स करके देंगे। जॉनी बेयरस्टो इस मैच में रद्द और उतार देखने को मिल सकता है और जॉस बटलर को जरूर लेना, फॉर्म में आ चुके हैं, रन करके आपको दे सकते हैं। 4 बल्लेबाजों को हमने सेलेक्ट किया है, डेविड वार्नर जरूर लेना, गुस्सा निकालेंगे, आग बबूला है, कप्तानी से निकाला गया है, रन कर सकते हैं। मनीष पांडे को लेना, टुक 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 करके रन आपको करके देंगे। केन विलियमसन इस मैच में कप्तान है, कप्तानी पारी जरूर खेलेंगे, इनको जरूर लेना। यशस्वी जायसवाल, ये खिलाड़ी जो है बहुत ही क्लास खिलाड़ी है, धीरे 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 करके इसका क्लास देखने को मिल रहा है और इस मैच में भी देखने को मिल सकता है। 2 ऑलराउंडर्स हैं, क्रिस मॉरिस विकेट्स लेकर आपको दे सकते हैं, शिवम दुबे रन करके आपको दे सकते हैं और 1-2 ओवर इनसे गेंदबाजी भी कराई जाएगी। राशिद खान और चेतन सकारिया, ये 2 गेंदबाज को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैप्टन डेविड वार्नर, वाइस कैप्टन केन विलियमसन, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको पता है कहां पर आएगी। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस कौन साबित होगा दमदार। क्या इस मैच में एक नए कप्तान के साथ सनराइजर्स का होगा एक नया सनराइज या फिर एक बार फिर से रॉयल्स के हाथों ये हो जाएंगे घायल। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। जो टीम बताएं वो फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम भी वहीं पर आएगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल को लिंक से ही ज्वाइन करना, फेक चैनल्स को ज्वाइन मत करना। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब और बैंगलोर के बीच में खेले गए आखिरी मुकाबले के कॉन्टेस्ट विनर की। तो मैं आपको बता दूं कि उस मैच में शॉल अमन ने उस मैच में पूछे गए 3 सवालों का सही जवाब दिया था और उनको 2000 रुपए का कैश जो है फोन पे पे भेज दिया गया है। इस यूजर के बारे में, इस विनर के बारे में डिटेल मैंने पोस्ट कर दी है टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप देख सकते हो। आप भी कोशिश करो कि आप भी सही जवाब दो और आप भी ये 2000 रुपए का कैश जीत सकते हो। जल्द ही मैं ये 5000 करने वाला हूं। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार एक नए कप्तान के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का होगा इस मैच में एक नया शुरुआत, एक नया सनराइज। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद मेरे अनुसार ये मैच जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।